तो बच्चों, मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था 3D पैकिंग, है ना। 3D में क्लोज पैकिंग कैसे होगा ये मैं कल आपको पढ़ा रहा था, है ना। अब मैं आज भी उसी के ऊपर बात करूंगा, और एक-एक बातें कल मैंने आपको बताया, जैसे बताया कि वो 3D पैकिंग, वी हैव टू ऑप्शन, है ना। बेस के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन जिसमें स्क्वायर यूनिट सेल है, सेकेंड ऑप्शन जिसमें हेक्सागोन यूनिट सेल है, ठीक है। तो दो दो ऑप्शन है बच्चों हमारे पास। ये बात मैंने आपको बताया था, बट हम बताए थे इन दोनों में हम उसे चूज करेंगे जिसकी इफिशियंसी अधिक होगी, है ना। जिसका इफिशियंसी ज्यादा होगा हम उसे चूज करेंगे, और इफिशियंसी किसका है, इफिशियंसी ज्यादा किसका है, उसका जिसमें हेक्सागोन यूनिट सेल है। इफिशियंसी ज्यादा किसका है बच्चों, जिसमें क्या है, हेक्सागोन यूनिट सेल। अंडरस्टैंड, तो ये बात बताया, मतलब हमने बताया बेस में क्या लेंगे, हेक्सागोन यूनिट सेल। ये बात आपको क्लियर हो गया था, क्लियर था ये बात, गिव मी आंसर प्लीज। ठीक है, अब जैसे ये था, ठीक है बच्चों, ये हमने लिया था जिसमें हेक्सागन यूनिट सेल वाला है। अब यहाँ पे सारे वॉइड कैसे हैं बच्चा लोग, ट्रायंगुलर वॉइड। अंडरस्टैंड, सारे वॉइड ट्रायंगुलर हैं। इसमें से हमने इसको दो ग्रुप में डिवाइड करने का काम किया, एक का नाम दिया हमने डॉट और दूसरे का नाम हमने दिया क्रॉस। हम बता दे बच्चों कि जितने भी वॉइड यहाँ पे दिख रहे ट्रायंगुलर, उसमें से हमारे पास डॉट वाला हो गया 50%, और ये क्रॉस वाला भी हो गया हमारे पास क्या आपका 50%। तो दोनों वॉइड हमारे पास 50-50% है बच्चों, डॉट टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड एंड आल्सो क्रॉस टाइप ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड व्हिच प्रेजेंट इन 50-50%। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे कि एटम रखना चालू करेंगे वॉइड पे। तो अब हम हमारे पास दो है, डॉट वाला ट्रायंगुलर और क्रॉस वाला। तो याद रखिएगा कि अगर आप डॉट पे रखिएगा तो सारे डॉट कवर होंगे, और अगर आप क्रॉस पर रखिएगा तो सारे क्रॉस कवर होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों, ये समझाना चाहता हूँ कि कंडीशन आप देखो, यहाँ पे कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी ट्रायंगुलर वॉइड पे, आप खुद ही समझ के देखिए कि किसी ट्रायंगुलर वॉइड पे एटम रखेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर आप एटम रखेंगे वो सारे के सारे ट्रायंगुलर वॉइड कन्वर्टेड इनटू व्हाट, टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड उसके बाद देखिए, मान लिया हमने यहां रखा और यहां रखा, तो देखिए ये वाला जो है, ये जो है, ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। बोलोगे सर कैसे, देखिए एक ट्रायंगल ऐसा जिसका वर्टेक्स नीचे, एक ट्रायंगल ऐसा जिसका वर्टेक्स ऊपर, अगर इस तरीके से कोई रहे और स्टार बने, तो ये जो गैप आपको दिख रहा है बच्चा लोग, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब हम लेयर वन के बाद लेयर टू रखते हैं, ठीक है, तो लेयर टू रखने के बाद जितना भी ट्रायंगुलर वॉइड था वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गया, 50% ट्रायंगुलर वॉइड कन्वर्टेड इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड एंड 50% ट्रायंगुलर वॉइड कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये बात मैंने बता दिया। अब एक लेयर के ऊपर जो लेयर आप रख रहे हो वो इसके सिमिलर है या डिफरेंस रखता है, ये बात समझने के लिए आप ये देखिए कि अगर आप लेयर के ऊपर लेयर रखते हैं, ठीक है, और एटम का सेंटर मैच करे, कोलैप्स करे, ठीक है, एक ही लाइन पे सारे एटमों का सेंटर एग्जिस्ट करे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम प्लेन। बट यहाँ देखिए, अगर नीचे वाले प्लेन देखिए तो यहाँ पे सेंटर है, इसके ऊपर में कोई अभी एटम तो है नहीं, तो ये और ये प्लेन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया तक बात, बात समझ में आ गया क्या, बात आप लोगों को समझ में आ गया।
आंसर दीजिए बच्चों, आंसर दीजिए। तो अब हमारे पास बच्चों फॉर थर्ड लेयर वी अगेन हैव टू ऑप्शन, आइदर पुट एटम ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है ना बच्चों, आइदर ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये बात मैंने कल आपको बता दिया था, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ूं मैं बच्चों। जिसमें ये डायग्राम बहुत काम का है बच्चों, जो मैंने कल भी आपको दिखाया था, आज भी दिखा रहा हूं, जरा गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना आप। ये देखो, पहले जो ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये आपका फर्स्ट लेयर है जिसमें सारे ट्रायंगुलर वॉइड है। उसके बाद देखो, देखिए कैसा हो गया कि इसके नीचे ये आ गया, तो ट्रायंगुलर के नीचे आ गया तो क्या बन गया वो बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल। ठीक है ना, समझ रहे हो। और देखो, एक ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स नीचे, एक ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स ऊपर, दी क्या बन गया बच्चों लोग, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए ये डायग्राम ज्यादा बढ़िया है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ना कि आपको क्लियर इसमें समझ में आएगा, लेकिन बुक में ये वाला नहीं दिया रहता है। ठीक है, अब एक बात समझ लीजिए, मैंने जो बोला था कि जब मेरे पास फर्स्ट लेयर है तो यहाँ सारे ट्रायंगुलर वॉइड है, हम एटम कहाँ रखेंगे बच्चों, ट्रायंगुलर वॉइड पे। तो ट्रायंगुलर वॉइड में सामने से रखो या पीछे से रखो कोई दिक्कत नहीं है, सामने से रखेंगे तब भी वो टेट्राहेड्रल वॉइड में कन्वर्ट होगा, पीछे से रखेंगे तब भी वो टेट्राहेड्रल वॉइड में ही कन्वर्ट होगा बच्चों। ओके, तो ये कंडीशन है, समझ गए क्या। तो बात यह है कि हमने क्या यहां पर दिखाया कि सारे जिस पे हम रख रहे हो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, अगर रखने के बाद इसको ऐसे पलट के इधर से देखेंगे, तो ये वाला क्या दिखेगा, इधर से देखो ऐसे दिखेगा, ये देखो ऐसा दिख रहा है। अरे यार, हाँ देखो ये लाइन दिख रहा हो कि ये नीचे से ट्रायंगल और एक इसके नीचे, तो ये क्या टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब समझ रहे हो, यहाँ दिख रहा होगा आपको अगर देखने की कोशिश करेंगे तो, इस तरीके से ये इसके नीचे से कैसा है। ठीक है, ये क्या हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, समझ रहे हो। अब मान लो अगर इसके ऊपर हम एटम रखते हैं बच्चा लोग, तो ये जो नीचे से एक एटम है ट्रायंगल को जो टेट्राहेड्रल बनाने का काम किया, और अगर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर हम एटम लाके रखते हैं तो उस एटम के साथ इसका जो सेंटर है वो क्या होगा, कोलैप्स करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी ए बी ए बी टाइप ऑफ रिपीटेशन। ओके, समझ रहे हो मेरी बात, आप समझ रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूँ, समझ पा रहे हो बच्चों। मैं ये कह रहा हूँ कि आप फिर से इस डायग्राम को देखिए, गौर से देखिए, पूरा गेम इसी का है। ये आपको समझ में आ गया फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि देखो आप जरा, जितने भी नीचे वाला आपको दिख रहा है वो सब है ट्रायंगुलर वॉइड, लेकिन अब ये क्या हो गया टेट्राहेड्रल, टेट्रा हम देख रहे हैं, गौर से देखिए, तीन और तीन नीचे थे क्या हो गया ऑक्टा, देखो तीन नीचे एक उसके ऊपर क्या हो गया टेट्राहेड्रल। ठीक है, तीन और तीन नीचे क्या हो गया ऑक्टाहेड्रल, तीन और इसके नीचे क्या हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, तीन और एक इसके नीचे क्या हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड, और नीचे यहां देखो, यहां तीन नीचे से और एक ऊपर से क्या हो गया बच्चा लोग टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टा। तो यहां तक क्लियर है, फोटो दिमाग में फिट हो गया, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बच्चों, मैं यस ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं, मेरी बात को सुनो जरा। कंडीशन कि जब हम थर्ड लेयर पे जाएंगे ना, तो आई हैव टू ऑप्शन, फर्स्ट वन कि हम एटम को रखें टेट्राहेड्रल वॉइड पे, तो मेरी बात को गौर से समझे कि अगर मैं यहां पे रखता हूं
ठीक बच्चों जरा देखना इसको, देखो देख रहे हैं आप, अगर मैं स्टेट्राहेड्रल वर्ड के ऊपर अगर एटम ऐसे रखता हूं, ठीक है, यहां पे अगर हम एटम रखते हैं, देखिएगा जरा गौर से, ठीक है, यहां एटम अगर हम रखते हैं तो ये एटम जो हमने ऊपर से रखा, ठीक है, और इस टेट्रा में जो नीचे से है, उन दोनों का सेंटर एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों, और सिर्फ यहां भी, यही नहीं, यहां भी अगर हम टेट्रा के ऊपर रखेंगे, यहां देखो टेट्रा में एक नीचे से है, अगर यहां भी बच्चों हम टेट्रा पे रखते हैं तो यहां रखेंगे एकदम सेंटर पे, जैसे हम रखेंगे इसका जो है बच्चों सेंटर नीचे वाले जो टेट्रा पे प्रेजेंट है उसके साथ कोलैप्स करेगा, तो हम क्या समझेंगे इससे, यही समझेंगे कि नीचे वाला लेयर ए है, बीच वाला लेयर बी है, और ऊपर वाला फिर से इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ए लेयर, तो ए बी ए बी ए बी टाइप ऑफ रिपीटेशन जनरेट होगा जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम को रखने का काम करेंगे। क्या आपको बात समझ में आ गया बच्चों बात समझ में आ गया, गिव मी आंसर प्लीज, प्लीज गिव मी आंसर, देखो ठीक है, सारे बच्चे जवाब मुझे दीजिए यार, मैं आप पहले आप जो पढ़े थे खुद से, अभी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कुछ डिफरेंस हो रहा है, मतलब ये जो मैं जो बता रहा हूँ ये सब कंफ्यूजन बहुत होता है एक्चुअली, मैं पढ़ता था जब अपने टाइम पे तो हमें ये सब नहीं समझ में आता था, बट मैं आपको एकदम ब्रेक कर करके इसलिए बता रहा हूं कि ये ही चीज है जिसमें लास्ट आपको इतना ज्यादा इमेजिन करना पड़ रहा है, इसके बाद नहीं है, इसके बाद सारे थ्योरिटिकल है, ठीक है, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या आपको समझ में आ गया, चलो एक बार और आखिरी बार बता रहा हूं, चलो यहां पे आ जाओ, अगर यहां पे आ जाओ, ये देखो ये टेट्रा है बच्चा लोग, नीचे पे है, अगर ऊपर से हम रखते हैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड पे ऐसे जाएगा एटम, ऐसे जाएगा एटम, ऐसे जाएगा, देखिए नीचे वाले से जो जस्ट ऊपर में रख रहे हैं उसका सेंटर क्या हो रहा है बच्चा लोग, कोलैप्स कर रहा है, ये सब क्या हो गया, प्लेन ए फिर बी फिर ए, ठीक है, देखो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया हूं, एक बार सारे बच्चे मैसेज करो मुझे कि टेट्राहेड्रल के ऊपर जो रख रहे हैं तो ए बी टाइप का जनरेट हो रहा है, ये बात में कोई डाउट बचा ही नहीं आपको, सारा बात समझ में आ गया, पूरा बात समझ में आ गया तो यस लिखिए, कोई कोई कंफ्यूजन नहीं बचा, कोई दिक्कत नहीं बचा, ठीक है बच्चों, बस 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 बस, बस। ठीक है अब आ जाइए इधर, अब दूसरा अभी किसका नंबर है, ऑक्टा का नंबर है ना, तो हम लोग बात अब किसका करेंगे, ऑक्टा का बात करेंगे, ओके, किसका बात करेंगे बच्चों, ऑक्टा का बात करेंगे, है ना, अब जरा देखिए मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, मेरी बात को गौर से सुनिए कि ऑक्टा में ये लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर, ओके, ये जो ब्लू वाला देख, दिस इज व्हाट, सेकेंड लेयर, और फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर का सेंटर कोलैप्स नहीं कर रहा है बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड लेयर का सेंटर कोलैप्स नहीं कर रहा है, मतलब इसका सेंटर अलग पॉइंट, जैसे इसका सेंटर यहां पे है और इसका सेंटर यहां पे है, तो ये दोनों प्लेन डिफरेंट हुआ, दिस इज प्लेन ए, then this is plane what, B, understand, plane A and this is what, plane B, अब एक बात बताइए, ये वो हमारा octahedral void, अगर हम एटम को यहां रखते हैं ऐसे, यहां रखते हैं ऐसे, तो क्या इस एटम के सेंटर के लाइन पे कोई भी एटम एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो ऑक्टाइडल वॉइड है वो ऊपर से नीचे एक लाइन पास करवाता है, मतलब ऐसे लाइन डालोगे तो पास हो जाएगा, जैसे यहां देखो ये भी ऑक्टा है, यहां से अगर लाइन देंगे तो नीचे तक पास हो जाएगा, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं, इसीलिए बच्चों ऑक्टाइडल वॉइड में अगर ऊपर से आप रखते हैं तो एक प्लेन हो गया ए फिर बी फिर सी, या इसका नाम दे दो ए
तो ये हो गया बी और ये गया सी, तीन डिफरेंट लेयर। लेकिन आप खुद ही इमेजिन करिए, ये ऑक्टा है, एक ऊपर से रख दिए और एक नीचे से रख दिए, तो जब ऊपर नीचे दोनों डायरेक्शन से रखेंगे, मतलब एक यहां ऊपर से और एक समझ लो इसके नीचे समझ रहे हो, इसके नीचे, तो ऊपर वाला है और जो एग्जैक्ट नीचे वाला जाएगा उसका सेंटर क्या कोलैप्स करेगा, क्योंकि एक ही लाइन पे जाएगा। तो मान लो ये ए, फिर ये बी, फिर ये जो दिख रहा है नीचे वो सी, और सबसे नीचे जो वापस से रखेंगे वो क्या जाएगा, ए। ऐसा ठीक है बच्चों, ये देखो यहां देखो, इसके ऊपर रखेंगे, ये एक ऑक्टा के ऊपर चला गया और एक ऑक्टा के ऊपर नीचे, तो देखो ये जो दोनों है इनका सेंटर एक ही लाइन पे किस कर रहा है, तो ए बी सी ए, ठीक है ए बी सी ए बी सी ए, ठीक है। तो बच्चे लोग, हम लोग यूनिट सेल जब भी निकालते हैं ना तो रिपीटेशन होना चाहिए, तो ये ए बी सी ए जब बाहर निकल जाएगा तो ये एक यूनिट सेल देगा। और ऑब्जर्व हुआ है कि जब ए बी सी टाइप के रिपीटेशन का यूज करते हैं तो यहाँ पे सीसीपी यूनिट सेल मिलता है, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, जो कि इक्वेलेंट टू है किसके बराबर, एफसीसी के बराबर बच्चों, ठीक है, इक्वेलेंट टू एफसीसी। और अगर इधर मैं बात करूं टेट्राहेड्रल वॉइड वाले का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, एक ऊपर है तो ऑलरेडी टेट्रा में, एक नीचे सामने रख दिया, तो ए बी ए, ठीक है, तो ए बी टाइप के रिपीटेशन से बनता है एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैक्डिंग, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या मैं समझू आप समझ गए, क्या मैं समझू आप समझ गए। और अभी अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाला हूं, एकदम गौर से देखना बच्चों, ठीक है ना, गौर से देखना, ध्यान से देखना, आपको मजा आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान दे, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप बस देखते जाना। सर रिपीट सीसीपी वंस। अच्छा सुनो मेरी बात, मेरी बात ये है, ये पूरी बात बताऊं, पूरी बात बतानी है, पूरी बात बतानी है, मैथिली बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, देखो देखो, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैसा, एक ट्रायंगल नीचे जिसका वर्टेक्स नीचे है और एक ट्रायंगल ऊपर जिसका वर्टेक्स ऊपर। अब ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सेंटर है, क्या इसके ऊपर कोई एटम बिलोंग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, अगर हम ऊपर से ऐसे एटम इसमें रख देंगे, इस एटम का सेंटर किसी के साथ कोलैप्स करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है, मतलब ये जो है इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब एक हम नीचे से रखेंगे यहां पे, समझ रहे हो, एकदम नीचे से, एक ऑक्टा में ऊपर से रख दिए और दूसरे में नीचे से रखेंगे, तब दोनों का सेंटर क्या हो कोलैप्स कर जाएगा इस तरीके से। देखो मान लो ये ऑक्टा है, ऑक्टा के ऊपर एटम रख दिया, और जब ऑक्टा ऊपर आप रख रहे तो वैसे ही ऑक्टा के नीचे भी तो रख सकते हैं, तो जब ऑक्टा ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे तो दोनों का सेंटर क्या हो जाए, कोलैप्स करेगा, मतलब दिस प्लेन एंड दिस प्लेन आर आइडेंटिकल प्लेन, मतलब अगर ये ए तो ये ए, तो ए बी सी ए,
तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है, यहां से निकलता है सीसीपी। ठीक है ना बच्चों, समझ गए? अभी मैं आपको एक डायग्राम वीडियो दिखा रहा हूँ, एनिमेटेड वीडियो, एनिमेशन वीडियो, गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। गौर से देखना, देखो एकदम ध्यान से देखो, ये यहां 1D से 2D सब दिखाएगा, ठीक है ना? तो देखो ये वीडियो दिखा के मैं बहुत बच्चों को IIT कॉलेज भेज चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों को NIT, बहुत सारे बच्चों को एम्स में, बहुत सारे तो नहीं, 2-3 बच्चे एम्स गए हैं हमारे, एक दो बच्चे जिपमर में भी है, और महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, जो भी बच्चा मुझसे मतलब पढ़ा ये वीडियो जरूर देखा है, पिछले 4-5 साल से दिखा रहा हूं। अभी सर देखो, गौर से देखना, फिर मैं एक बार बैक करता हूं इसको, बैक करता हूं, देखो एकदम स्टार्ट करेगा इसको कि एक पॉइंट से मिलके पहले लाइन बनाएगा। देखो लाइन बनेगा तो ये 1-डाइमेंशनल अरेंजमेंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ाया कि 1D में क्लोज पैकिंग। गौर से आप जरा देख सकते हैं, ठीक है, गौर से देख सकते हैं, देखो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया, ठीक है। अब 2D में देखो, जरा 2D में देखो, 2D में देखो, देखो दोनों एटम के बीच में जाएगा ये, तो ये जो वॉइड बने कैसा हो गया, ट्रायंगुलर वॉइड, सारे वॉइड कैसे बन गए, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर, ठीक है ना, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर वॉइड है बच्चों, सारे सारे वॉइड ट्रायंगुलर हैं, देखो सारे वॉइड ट्रायंगुलर हैं यार। अब देखो जलवा, यहां बोल रहा है जलवा में क्या होगा, देखो आपको एक यूनिट सेल निकाल के आपको यहां से दिखाएगा, देखो 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 देखो, ये निकलेगा यूनिट सेल, नहीं यहां निकला, इधर, ठीक है, कौन सा निकल गया, ये हेक्सागोन यूनिट सेल इन 2D। ये सारे वॉइड कैसे हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से देखते रहना, ध्यान से ध्यान से। ये जो वॉइड है क्या हुआ, ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है, कैसा हो गया, ट्रायंगुलर वॉइड इन 3D, 3D पे जा रहा है, जरा गौर से देखना, ध्यान से देखना, ये प्लेन है, फिल्म में सारे ट्रायंगुलर वॉइड जिसके ऊपर रखेंगे कन्वर्ट किस में जाएगा, टेट्रा में, देखो हो रहा है ना बच्चों, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो, अरे हाँ ना बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, देखो देखो सारे बच्चे मैसेज करो, देखो जिसके ऊपर रखे, देखो ये वाला, ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल, ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल, देखो 3 के ऊपर एक तो बन गया टेट्राहेड्रल वॉइड, देखो एक एक चीज निकाल निकाल के वो बता रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप देख सकते हो वीडियो, ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब एक बात सुनो, टेट्राहेड्रल में जब नीचे से रखेंगे, देखो यहां से अगर रख देंगे, यहां अगर एक एटम ऐसे लाकर रख देंगे तो ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, और ये वाला क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, देखो एक ट्रायंगल नीचे एक ट्रायंगल ऊपर, तो बीच में जो खाली दिख रहा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब देखो ये जो एटम जा रहा है जो ऊपर से रखे, तो देखो नीचे वाले लेयर से पूरे तरीके से मैच कर गया, क्योंकि जिस ट्रायंगल पे इसको रखे टेट्रा बनाया गया था उसी ट्रायंगल में ऊपर से रखे थे, ये दोनों सभी का सेंटर क्या कोलैप्स कर गया, तो अब ए बी ए बी ए बी, तो अब यहां से जब हम काट के एक यूनिट सेल निकालेंगे तो निकलेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D, अंडरस्टैंड? तो ये बात है, इस कंडीशन को आप ध्यान रखना। तो बच्चों क्लियर हो गया कि आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू, आगे बढ़ू, ठीक है। तो अब यहां पर कंडीशन है, सो फॉर थर्ड लेयर वी अगेन हैव टू ऑप्शन, आइदर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर कवर्ड, ठीक है। ऑप्शन 1 टेट्राहेड्रल वॉइड कवर्ड, इफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर कवर्ड देन इट इज फाउंड दैट थर्ड लेयर आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर, फोर्थ आइडेंटिकल टू थर्ड लेयर एंड सो ऑन।
So this type of packing is known as ABAB type of packing, which is equivalent to HCP because repeating unit contain hexagonal unit cell in crystal. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, पढ़ाने के साथ साथ आपको एक बात भी बताने जा रहा हूं. बात यह है कि बच्चों JEE एडवांस 2008 में एक क्वेश्चन आया था सॉलिड स्टेट चैप्टर से, जो कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, पैराग्राफ बेस्ड था, ठीक है. और वो क्वेश्चन जो चीज अभी आप पढ़ने जा रहे हो, जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो, उसी टॉपिक से आया था और बहुत ही इजी था, ठीक है ना. अब मैं आपको पहले क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, पढ़ाते जाऊंगा, सच सच बताते जाऊंगा कि ये चीज उसने पूछा था, ठीक है. सबसे पहली बात कि JEE एडवांस अगर आप बुक हो गई आपके पास तो आप देख सकते हैं, देखिएगा, जाइएगा, मिलेगा JEE एडवांस 2008, ठीक है ना, JEE एडवांस 2008. अब बच्चा लोग अगर हम बात करें यहाँ पे कि JEE एडवांस 2008 का, इस JEE एडवांस 2008 में हेक्सागोनल क्यूबिकल सिस्टम के ऊपर एक हमारा आया था, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है. अब हम आपको बता दें कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इससे एक लेयर हम निकालेंगे पहले, नंबरिंग कर दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये लेयर नंबर 1 निकल रहा है, ठीक है. एट नाइन टेन A, B, ये C. ठीक है बच्चों, ये तीन लेयर है, समझ गए आप, ये आपका तीन लेयर है जो मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है. ए बी ए, तो इसी के रिपीटेशन, मतलब एक ये काट के मैंने वहां से यूनिट से बाहर निकाला है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एचसीपी यूनिट से, ठीक है. अब इसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, एक हेक्सागोन की तरह दिखता है ये, ठीक है, ये हेक्सागोन हो गया, ठीक है. ये हेक्सागोन क्लोज पैकिंग इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, जिसमें मैंने यहां एकदम क्लियर बता दिया, ये ए लेयर, ये बी लेयर और ये भी ए लेयर हो गया, ठीक है, समझ गए. अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का, कोऑर्डिनेशन नंबर. सीधी बात आप ध्यान रखना बच्चों, ईच एंड एवरी स्पेयर
touch 12 other sphere in this type of system. So coordination number is equal to what? 12. अब बोलोगे सर कैसे? बोलोगे सर कैसे? तो मैं बताऊंगा कि कैसे. ये चीज आप देखिए, जैसे अगर बात करें इसका, ठीक है, तो सीधी बात देखिए, अगर आपको इस अरेंजमेंट को समझना है तो एक डायग्राम मुझे और इधर लेना पड़ेगा. कि जैसे अगर हम बात करें इधर, इस तरीके से, तो देखिए एक वॉइड हो गया डॉट क्रॉस डॉट, नहीं क्रॉस डॉट और ये क्रॉस, इस तरीके से और यहां डॉट. तो देखो अगर यहां पे एटम आप रखोगे तो यहां पे जाएगा और यहां पे जाएगा, ये ए लेयर, ये बी लेयर, और सेम उसके ऊपर एक और ऐसे रख देंगे. समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 to 4 है, 1 to 4 के ऊपर कौन रखा हुआ? 8, ठीक है ना. 1 to 4 के ऊपर क्या रखा हुआ आपका? 8. और 4, 5, 7 के ऊपर 10. और 3, 4, 6 के ऊपर क्या रखा हुआ? 9. ठीक है. तो देखिए ये जो है 4 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को टच कर रहा है, और 3 ऊपर से रखेंगे, यहां रखेंगे उसको भी टच करेगा, यहां रखेंगे उसको भी टच करेगा, यहां रखेंगे उसको भी टच करेगा. तो 3 को ऊपर से टच करेगा और 3 को नीचे से इसी तरीके से टच करता है. ठीक है बच्चों? तो ये बात ध्यान रखना कि हमेशा याद रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है 6 इन सेम प्लेन, ठीक है, 3 अपर प्लेन एंड 3 बॉटम प्लेन. ये होता है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर का ट्रेंड, 3 अपर लेयर एंड 3 बॉटम लेयर. ठीक है बच्चों? अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर मैं 4 के रिस्पेक्ट में बताऊं, 4 के रिस्पेक्ट में, तो 4 किसको टच कर रहा है? 1, 2, 5, 7, 6 और 3. 1, 2, 3, 5, 6, 7 सेम लेयर प्लस बॉटम लेयर में किसको टच कर रहा है? 8, 9 और 10 को. और ऐसे ही 3 अपर लेयर में टच करेगा ये, जो कि अपर लेवल यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि हम एक ही यूनिट सेल का बात कर रहे हैं. कि ये तो बार बार रिपीट होगा ना अप टू इंफिनिटी,